सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। हमारा आज का नॉवल इकरा सगीर अहमद का एक बिल्कुल न्यू नॉवल है, लेटेस्ट नॉवल है, अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है उन्होंने और मैंने शायरी के लिए बस ढूंढ ढांढ के इसको निकाल ही लिया। एंड ऑब्वियसली आई एम गोना डेडिकेट इट टू माई बेस्ट फ्रेंड शायरी खान, और ले मेरी पैन खुश हो जा। मैं शायरी जैसे बोंगे और फालतू लोगों को भी कभी कभी मुँह लगा लेती हूँ, तो क्या याद करेगी कि मैं उसके लिए उसकी फेवरेट राइटर का नॉवल रीड करने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। चाहत में हमने तौर पुराने बदल दिए, जस बाहर एक संभाल के खाने बदल दिए। बेफायदा है लौट के आना हवाओं का, हमने सभी पुराने ठिकाने बदल दिए। टिप 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 मोटी मोटी बूंदें आसमान से तेज़ी से गिर रही थीं। रात की तारीकी में यूं लग रहा था जैसे आसमान की स्याह थाली से क्रिस्टल के मोती जौक दर जौक बरस रहे हों। इन गिरती बूंदों ने मौसम की खनकी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। तेज़ हवाएं मज़ीद सर्द होने लगी थीं। रात का अभी पहला पहर था, मगर गहरे अबर आलूद मौसम के बाइस रात के पिछले पहर का समा बन गया था। ऐसे में वो मौसम की जोलानी और यख बस्तगी से बेनियाज कुर्सी पर बैठा एक टांग पर दूसरी टांग रखे मुसलसल हिल रहा था, जो उसके अंदरूनी किसी खलफशार की गुमास था। बज़ाहिर उसका चेहरा नॉर्मल था। दोनों बाजुओं को सर के पीछे रखे हुए वो खामोश बैठा गहरी सोचों में गुम था। ओ माय गॉड, अचानक मूसा ने टेरेस पर आकर कहा था, अल्लाह की कसम इतने सर्द मौसम में परिंदे भी अपने घोंसलों से बाहर झांकना गवारा नहीं कर सकते, और तुम बिना जैकेट और कुछ भी पहने यहाँ बैठे हो। मूसा के लहजे में गुस्सा, हैरानी, अपना यत पिन्हा थी। सब मालूम होने के बावजूद मुझको डिस्टर्ब ना करो तो ही बेहतर है, उसने धीमे और बिखरे लहजे में कहा। उसकी नशिस्त में कोई फर्क ना आया था। मेरी जान, मैं जानता हूँ तभी अपसेट हो रहा हूँ। वहाँ शादी के शादियाने बज रहे हैं और तुम यहाँ गम मनाते हुए खुद को इस सख्त सर्दी में सजा दे रहे हो। जवाबन वो खामोश रहा। मैं हजार दफा कह चुका हूँ कि भूल जाओ उसको, मेरी जगह तुम होते तो भी खुद को यही मशवरा देते कि भूल जाओ। अगर बुलाना इतना ही आसान होता तो मैं इस राह का मुसाफिर बनता ही क्यों? क्यों ख्वार होता? क्यों बेसकून रहता? सर्द मौसम में उसके लहजे में अलाव दहक रहे थे। मैं अपने हक की जंग लड़ रहा हूँ, अगर मेरा साथ देना चाहो तो मोस्ट वेलकम, वरना तुम खामोशी से जा सकते हो, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। हम खामोशी से जा सकते हो, कर दी ना गिरी हुई बात। ये इस बात से ज़्यादा गिरी हुई है जो तुम कहते हो कि मैं उसे भूल जाऊँ, वो इश्ताल अंगेजी से गोया हुआ तो मूसा बे इख्तियार हंस दिया। अल्लाह की कसम इस टाइम बिल्कुल रूठी हुई महबूबा लग रहे हो, जिसको गुस्से में मोहब्बत की बात भी नफरत लगती है। ओ गॉड, वो कुर्सी पर बैठते हुए हंसने लगा। सदमा मुझे मिला है पर लगता है अपर स्टोरी तुम्हारी खराब हो गई है। वो जहनी तौर पर इस कदर मुंतशिर था कि उसकी बात पर चिढ़ कर गोया हुआ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। वो उसकी आंखों में देखता हुआ मायनी खेजी से गोया हुआ चंद लम्हों पहले जिन आंखों की जोत मांद पड़ी हुई थी, यकलख्त उन उदास निगाहों में रोशनियों की कंदीलें रोशन हो गई थी। खुशी से चमकते उसके चेहरे ने उसकी वजाहत को मजीद सहर अंगेज बना दिया था। रियली? वो फरते मुसरत से उठ खड़ा हुआ। मेरी दोस्ती पर एतबार नहीं या मोहब्बत पर शक है? कितनी बार कहा है कि मोहब्बत या इश्क जैसे जुमले मेरे सामने ना इस्तेमाल किया करो, नफरत है मुझे, शदीद नफरत। पल भर में उसका मजाज बिगड़ा था। मूसा ने फौरन कान पकड़ के कहा, सॉरी यार जबान फिसल गई, वरना ओके मौजू पर आओ, ये बताओ बराजी कैसे हुई? इतनी आसानी से नहीं, पहले तो खौफ में मुब्तला थी, बुरी तरह डर रही थी, बात भी करने को राजी ना थी। मैंने उससे तुम्हारे एहसासात और जज्बात की दीवानगी की तर्जुमानी की तो उसको मानना पड़ा। माई ब्रदर मूसा, तुमने सचमुच दोस्ती का हक अदा कर दिया। कल शादी है और हमें आज ही तमाम प्रोग्राम की सेटिंग करनी होगी। मिकाइल, मैं कह रहा हूँ फिर सोच लो, ये दो खानदानों का मामला है, वो हिचकिचाता हुआ उसके शानों पर हाथ रखता गोया हुआ।
मंजिल पर लाकर मुझे भटकाने की कोशिश न करो। जिंदगी की नवीद देकर मौत का खंजर मेरे सीने में खोपने की कोशिश मत करो। अगर तुम खुद किसी वसवसे का शिकार हो तो मुझे तन्हा करने दो ये सब। वो अपने शाने से उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया था। बैंक्वेट में गहमा गहमी अरूज पर थी। बारात आ गई थी। मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात से मेहमानों की खातिर तवाजा की जा रही थी। अरूसा बेगम ऑफ वाइट साड़ी जेब तन किए हुए थी, जिस पर मामूली सा काम था। हाथों में तलाई चूड़ियाँ, तलाई नाजुक सा सेट, लंबे बालों की चोटी पुश्त पर मौजूद थी। मेकअप में काजल और लिपस्टिक ने उनके पूर्वकार शख्सियत में जाज़बियत पैदा कर दी थी। फराज साहब जो उनके शौहर थे, वाइट कॉटन के सूट पर ब्राउन वास्केट और खुसों ने उनको बेगम के हुस्न के आगे मान नहीं पड़ने दिया था। वो दोनों मेहमानों से अलग सेलेक्ट कर रहे थे। लोग उनको मुबारकबाद देने के साथ साथ उनकी जोड़ी को भी सराह रहे थे। अमूमन मेहमान खवातीन की गुफ्तगू का मौजू अरूसा बेगम थी। हर एक अपनी जगह उनकी सादगी, कम गोई, इखलाक, मुरव्वत, मिलनसारी की तारीफ कर रही थी। उनकी फैमिली से लोग खासे मुतासिर लग रहे थे। अचानक मौजू बदला और लोग उनकी बेटी को जेरे मौजू ले आए, जिसकी शादी में वो लोग मधु थे और खासे मरूब भी थे। अरूसा भाभी और फराज भाई ने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। इस दौर में खाल खाल दिखाई देती हैं। लीजा में तमाम माँ के गुण भरे हैं और शजील के मजाज में बाप जैसी इनकसारी, आजिजी और खुदादर्सी मौजूद है। किसी रिश्तेदार खातून ने सूप से इंसाफ करते हुए कहा, रोब तो दोनों बच्चों पर ऐसा रखा है कि वो कहते हैं ना, सोने का नवाला खिलाया मगर शेर की निगाह भी रखी। ये खातून भी खासी शातिर थी। एक बात बताऊं आप लोगों को, जिसे सुनकर आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। उन खातून का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि सब चौंकी। ऐसी क्या बात है जो आपने लम्हे भर में इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया? है एक बात जिसको सुनकर आपको मालूम होगा, लीजा की वो मासूमियत भोलपन सिर्फ धोखा है, दिखावा है। उस औरत के लहजे में कुछ खास था। दूसरी खवातीन मशरूबात भूल भाल कर उसकी तरफ पुर तजस्सुस निगाहों से देखने लगी। उनमें से एक बोली, ये क्या कह रही हैं आप नगीना बाजी, आपको कोई गलत फहमी हुई है? लीजा को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो सादा सी डरी सहमी रहने वाली लड़की है। चलाक और मक्कार लड़कियों की अलहदा ही शनाख्त होती है। मैं उनके पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस को पड़ोसी ही बखूबी जानते हैं। आप लोग तो फिर भी दूसरे शहरों से आई हैं। अरे इस बहस को दफा करें, आप असल बात बताएं, किसी खातून ने इसरार किया। लीजा किसी और लड़के के साथ शादी करना चाहती थी। उन्होंने झुककर सरगोशी की, जवाबन उनके हाथों से चम्मच गिर गए। ओह नो नो, मैं नहीं मान सकती, लीजा ऐसी लड़की नहीं है। फराज भाई उसका हाथ किसी गधे के हाथ में भी दे देते तो वो लड़की ख्वाब में भी ऐसा सोच नहीं सकती थी। फराज की कजन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, सफीर को गधा ही तो समझा गया है, सब जानबूझकर। वो सिर्फ चाचा की इज्जत रख रहा है। जो आज दुल्हा बनकर यहां बैठा है वो किसी लड़के को पसंद ही नहीं करती, बल्कि उसके साथ भागते हुए भी पकड़ी गई है। नगीना बाजी किसी तरह बात मनवाए बगैर पीछे हटने को तैयार न थी। असल बात तो यह है कि आप शर्जील से अपनी बेटी ब्याहना चाह रही थी। आपकी दाल न गली तो आपने ये चाल चली है। फराज की कजन को शदीद गुस्सा आ रहा था। साइमा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं बिना रियायत के अपनी सैंडल से उसकी वो दुर्गत बनाती कि तुम ही क्या कोई दूसरा भी मेरी बेटी का नाम लेने से डरता। शर्जील की क्या औकात है? शर्जील से ज्यादा होनहार लड़के मेरी बेटी का हाथ मांगने आते हैं, महज चंद घंटों के लिए या एक रात के लिए हाथ मांगने आते हैं। तुम शुरू से हसद करती हो हमारे खानदान से। अपनी इस नापाक जबान को अपने मुंह में ही रखो, वरना टाई बनाकर लटकाना मुझे अच्छी तरह आता है। साइमा वहां से उठकर चली गई। अरे देखो क्या क्या बोल गई है मेरी मासूम बच्ची को, मैं इसको नहीं। अरे अरे छोड़े नगीना बाजी, कहाँ जा रही है, तमाशा हो जाएगा। वैसे यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, लेकिन ये भी आपने ठीक कहा कि हर अच्छे बुरे की खबर पड़ोसियों को पहले मिलती है, रिश्तेदारों को बाद में, फिर पड़ोस को पड़ोस ही बेहतर जानता है।
लीजा की हरकतों की खबर आपको कैसे मिली? वहां बैठी दो खवातीन ने उठती हुई नगीना का हाथ पकड़ते हुए पूछा। हमारे घरों में काम करने वाली मासियां हर रात से आशना होती हैं। उनके घर काम करने वाली मासी ने मेरी मासी को बताया और मेरी मासी ने मुझे। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। वहां मौजूद खवातीन के चेहरों पर यकसा मुस्कुराहट फैल गई थी। तंजिया, हासिदाना नजरें, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। वह लोगों की खुशियों और नेक नामी से दिल ही दिल में हसद करते हैं। आगे की रिपोर्ट नहीं मिली, वो इस शादी पर राजी कैसे हुई? 2 दिन पहले ही तो एक्सीडेंट में उस मासी की टांग टूट गई। वो गांव चले गई नौकरी छोड़कर, वरना पता चल जाता अंदर ही अंदर क्या हुआ। मुझे तो लग रहा है लीजा रात में ही तलाक के कागज लेकर आएगी। तुमने बताया था ना, वो पहले भी किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। ये सब सफीर को मालूम है शादी तो नहीं ये सब सफीर को मालूम है शादी तो वो किसी मजबूरी में कर रहा है, मगर निभा करना बहुत मुश्किल है। औरत तो मर्द का जूटा खा लेती है, मगर मर्द कभी भी किसी के जूटन नहीं खाता। वो कयास अराई से काम ले रही थी। इधर इन बातों से बेनियाज अरूसा बेगम ने बेचैनी से रिस्ट वॉच में वक्त देखा। उस वक्त तक लीजा को पॉलर से आ जाना चाहिए था। उन्होंने पर्स से सेल फोन निकाल कर लीजा को कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ मोबाइल ऑफ था। बेवकूफ लड़की, हस्बे आदत मोबाइल चार्ज करना भूल गई। कितने अहम मौके पर बैटरी डेड हुई है। वो दिल ही दिल में बेटी से मुखातिब हुई। लीजा को पिक करने नहीं गई तुम? निकाह में देर हो रही है, मालूम है ना शहर के सबसे बड़े मुफ्ती साहब को निकाह के लिए मधु किया है। उनका एक एक लम्हा कीमती है और तुम यहाँ इत्मीनान से खड़ी गपशप में मसरूफ हो। उनके धीमे लहजे में आग बरस रही थी, मगर चेहरा पुरसकून था। मैं मेहमानों को अटेंड कर रही थी, शर्जील को पिक करने के लिए भेजा है। शर्जील को भेजा है? जब मैंने तुमसे कहा था उसको लेकर खुद आना है, फिर उसको तन्हा क्यों भेजा? बहुत बेवकूफ औरत हो तुम। कॉल करो, इतनी देर कैसे लग सकती है? उनका धीमा लहजा बुलंद होने लगा था। अरूसा ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। वो इस वक्त लोगों से दूर खड़े थे। फराज साहब का गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। आप इस कदर परेशान क्यों हो रहे हैं? वो लोग आ रहे होंगे। वाह बहुत अच्छे, बारात दहलीज पर मौजूद है, दुल्हन गायब है और तुम कहती हो परेशान ना हो। वो सख्त लहजे में गोया हुए अरूसा की जान पे बन गई थी। शर्जील फोन उठा रहा था ना लीजा। मुश्किल ये आ पड़ी थी कि फराज साहब की शाइस्तगी और नर्म गुफ्तारी का मोम पिघलने लगा था। लोगों से छुपा हुआ उनका ये अंदाज आया होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं। रात का वक्त है, अमूमन ट्रैफिक जाम होता है, वो लोग आने वाले होंगे। तुम बड़ी वलीउल्लाह हो, तुम्हें इल्हाम हुआ है ना कि वो आने वाले हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? संभालिए खुद को, अल्लाह के वास्ते लोग हमारी तरफ मतवज्जा हो रहे हैं। और वो देखें भाई साहब और भाभी भी हमारी तरफ आ रहे हैं। अरूसा बेगम उनकी एकदम गैर होती हालत देखकर घबराई। इसी असना में लीजा के सास और ससुर और शर्जील वहां आ गए। शर्जील को तन्हा देखकर जहां अरूसा हक्का बक्का हुई, वहां फराज साहब का दिल भी बेकाबू होने लगा था। वो आगे बढ़े और शर्जील का गिरेबान पकड़ कर चीखे, खाली हाथ क्यों आया है? उस नामुराद को कहां दफन कर आया? रिलैक्स फराज रिलैक्स, क्यों तमाशा बना रहे हो भरी महफिल में? मेरे साथ विजिटिंग रूम में चलो, वहां चलकर बात करते हैं क्या हुआ है। कबल इसके कि वो शर्जील और अरूसा बेगम पर हाथ छोड़ देते, उनके बड़े भाई और भाभी उन्हें वहां से ले गए। चीखते चिल्लाते फराज साहब को सबने देखा था, जिनकी हालत जुनूनी हो रही थी। शर्जील का गिरेबान उन्होंने इस बुरी तरह पकड़ा था कि चुड़ाने में कई बटन टूट कर गिर पड़े थे, और उनके दरमियान में आती अरूसा बेगम को इस अंदाज में धक्का दिया था कि शर्जील उनको फौरन ना थाम लेता तो न जाने क्या होता। ये सब तब्दीली देखकर मेहमान हैरान थे। बरसों का उनकी फैमिली का बना हुआ इमेज, इज्जत व वकार सब लम्हे भर में मिट्टी होकर मिट्टी में मिल गया था। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इस हस्ती मुस्कुराती महफिल में यकदम मातम क्यों होने लगा था। सब आपस में चहमगोयां करने में मसरूफ थे। नगीना बाजी, दाल में कुछ काला लग रहा है, एक खातून ने सरगोशी की। अरे पूरी दाल ही काली निकली है, जिसका अंदेशा था वो ही हुआ। चिड़िया चिड़े के संग उड़ गई है, नगीना की बांछें खिल गईं।
लग तो ऐसा ही रहा है, दुल्हा देखो कैसा जख्मी शेर की मानंद लग रहा है। जाहिर है चिड़िया फिर से उड़ गई है, नगीना कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे समझ में नहीं आती, तुम लोग कल ही एक हफ्ते बाद वापस आए हो और अब फिर जाने की तैयारी है। अरे ऐसे तो बंजारे भी रातों रात शहर नहीं बदलते जिस तरह तुम लोग सूटकेस उठाकर चल पड़ते हो। आयशा बेगम उनकी तरफ खुबकी भरी निगाहों से देखती हुई कह रही थी। वो सब इस वक्त हॉल में विराजमान कॉफ़ी पी रहे थे। मिकाइल और मूसा के सूटकेस उनके करीब रखे हुए थे। करीबी गांव में नए प्रोजेक्ट के लिए ज़मीनें देखनी हैं, वहां पे सर्वे करने हैं और मालूमात लेने में 2 से 3 दिन लगेंगे। काम होते ही मैं फ़ौरन आ जाऊँगा, आप परेशान ना हो, वो मुस्कुरा कर मसालेहत अमेज़ लहजे में बताने लगा। मैं भी 2-3 दिन में वापसी का रास्ता पकड़ूंगा। आपको मालूम है पुलिस की नौकरी करना लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है, स्पेशली मुझ जैसे बहादुर ईमानदार और जाबाज ऑफिसर को कोई नहीं छोड़ता, वो गर्दन अकड़ा कर कॉलर छूते हुए शान से बोला। मिकाइल भाई पर नहीं पर आप पर मुझे कुछ कुछ शक हो रहा है कि आप किसी लड़की के चक्कर में बार बार कहीं जा रहे हैं, वरना देख रही हैं ममा आप ये किस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मिकाइल को ये हर दफ़ा इसी तरह क्लियर करती है और मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है कि मैं लड़कियों के चक्कर चलाता हूँ, कि मैं लड़कियों से चक्कर चलाता हूँ। मूसा उसको घूरते हुए बोला, कोई गलत तो नहीं कह रही, आंटी को सब मालूम है। वो रू बरू गोया हुई। हानिया बेटी, भाई सफ़र पर जाने को तैयार बैठे हैं, ऐसे वक्त में खुशी खुशी भाइयों को अलविदा कहो, वापसी पर खूब झगड़ा कर लेना। अम्मा ने उन दोनों के सरों पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी अम्मा, सॉरी भाई। हानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अम्मा के बाद मूसा के करीब आकर बोली तो उसने उसे बाजू के घेरे में ले लिया। कल से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अभी तक जारी था, बल्कि ढलती शाम के साथ साथ उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। आयरा बेटे का चेहरा बहुत गौर से देख रही थी, जहाँ कुछ ना आशना से नकुश दिखाई दे रहे थे जो आज से कबल कभी उन्होंने देखे न थे। मिकाइल माँ की बोलती निगाहों के तजब्जुब को बखूबी समझ रहा था, मगर मजबूरन खामोश था। मिकाइल, एक बात पूछूं? श्योर, वो उनसे निगाहें चुरा कर गोया हुआ, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? 2 दिन से मैं आपको बेहद अपसेट देख रही हूँ, फिर ये अचानक ऐसे मौसम में रवानगी का फैसला और फैसले पर अमल दरामद करने पर मेरे अंदर नामालूम सी बेचैनी पैदा करती है। बिलाखिर वो कोशिश के बावजूद भी अपने इस तरह को छुपा ना सकी थी। कुछ भी अनहोनी करने से कबल ये सोच लीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई दूसरा नहीं जिसके लिए मैं जी सकूं। मम्मा मम्मा, उसने लपक कर उनको बाजुओं के घेरे में ले लिया। वो बे इख्तियार से सकने लगी, आपको क्यों लग रहा है कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ? मैंने कभी आपसे झूठ बोला है क्या? वो मोहब्बत से उनके आंसू साफ करता बोला, नहीं कभी नहीं, लेकिन अब मेरा यकीन मुतजलजल क्यों हो रहा है? एक तवील मुद्दत बाद मेरे अंदर सुर्ख आंधी तबाही मचाने लगी है। प्लीज़ ममा, मामूली सा भी स्ट्रेस आपकी तबीयत के लिए ख़तरनाक है, आप उल्टी सीधी सोचों को बिल्कुल भी लिफ्ट ना दें, बस दुआ करें जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम सब ज़मीनों पर चलेंगे और आपको यकीन भी आ जाएगा कि मैं झूठ कह रहा था या सच बोल रहा था। उसके वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और साथ ही उनकी दुआओं के हसार में वो रवाना हो गए थे। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब शौके कमाल भी नहीं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर दिया, और मलाल भी नहीं। छाजो छाज मीना बरस रहा था जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक था, लेकिन इस मामूल को पुलिस की बेतहाशा मौजूदगी ने सरासीमगी और सुस्त रवि का शिकार बना दिया था, क्योंकि पुलिस के अफसरान हस्बे मामूल कुछ बताए बगैर गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। इतनी ज़बरदस्त चेकिंग और पुलिस गाड़ियों के सायरन और चमकती लाइट्स ने लोगों को इस सोच से खौफजदा कर दिया था कि शायद किसी ख़तरनाक मुजरिम या दहशतगर्द की तलाश की जा रही है। उसी वक्त वहाँ एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई नमूदार हुई और उसकी तरफ भी एक ऑफिसर और कई पुलिस वाले बढ़े थे, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंसेस की भी तलाशी ली जा रही थी। सर, ये तो डेड बॉडी है, इसकी क्या तलाशी लेंगे? अंदर बैठी 3 खवातीन गमो दुख से निढाल जारों की तार रोते हुए सीने
को भी पीटने में मसरूफ़ थी और उनके सामने रखे स्ट्रेचर पर किसी की मैयत रखी थी जो सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। वो ख़वातीन जिनमें दो लड़कियां और एक बड़ी उम्र की औरत थी वज़ाकता से गांव की रहने वाली लग रही थी। आप लोग हटें, मुझे अपनी ड्यूटी अदा करने दें। ऊपर से ऑर्डर है कि किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए ना जाने दिया जाए, ख्वाह वो एम्बुलेंस ही क्यों ना हो। वो ऑफिसर सिपाहियों से कहता हुआ अंदर गया और लम्हे भर को उसने सफ़ेद चादर हटा कर चेहरा देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाता हुआ नीचे उतर आया। साथ ही एम्बुलेंस को जाने का इशारा किया। गाड़ी शोर मचाती आगे बढ़ गई थी। वो लोग पीछे आती गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। इस कतार में चंद गाड़ियों के पीछे कार में मिकाइल भी विराजमान था। उसने म्यूज़िक लगाया हुआ था। चेहरे पर तमानियत ही तमानियत थी, होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो पुरशोक निगाहों से दूर जाती एम्बुलेंस को देख रहा था और उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। अचानक इस असना में उसकी कार का नंबर भी आ गया था। यहाँ ऑफिसर और सिपाही दूसरे थे जिन्होंने उसकी कार और डिग्गी की तलाशी ली थी और कुछ ना पाकर जाने की इजाज़त दी थी। वो दिल ही दिल में गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ गया था। इन मराहिल से गुजरते हुए उसको खासा वक्त लगा था। बारिश इसी तरह ज़ोरों शोर से बरस रही थी। मौसम इतना सर्द हो गया था कि अगर कार में हीटर ऑन ना होता तो वो बर्फ़ बन गया होता। उसकी गाड़ी अब शहर के हंगामों से दूर होते मज़ाफात की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ दाखिल होने से कबल रुक कर उसने रेस्टोरेंट से खाना खाया। कई दिनों बाद रुकबत से उसने खाना खाया था, कॉफ़ी पी और खाना पार्सल लेकर आगे बढ़ गया था। चंद घंटों बाद उसकी गाड़ी किसी गांव की हदूद में दाखिल हुई थी और कुछ ही देर में सुर्ख ईंटों से बने मकान के गेट पर वह हॉर्न दे रहा था। आयजा बेगम ने गैलरी से नीचे देखा, जहां कुछ दूर रोड पर एक बाइक आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनकी गली की जानिब ही बढ़ रही थी और उस पर सवार नौजवान लड़का और लड़की गुफ्तगू करते हुए इर्द गिर्द से बेखबर थे। लड़की ने कॉलेज यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। वो कई माह से देख रही थी, ये उनके रोज़ का मामूल था। वो लड़की शाज़ो नादर ही वक्त पर आती थी, वरना वो इसी तरह लेट उस लड़के के साथ आती थी और ये चंद हफ्तों से हो रहा था। इससे पहले वो वैन में आती थी, जब से ये उस लड़के के साथ आने लगी थी उसके अतवार ही बदल गए थे। वो उसको बखूबी जानती थी। वो उनके सामने वाले बंगले में रहने वाली इश्तियाक साहब की बेटी थी। वो लोग बेहद मुअज़्ज़ज़ और मजहबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी बेटी इरम के साथ जो लड़का था वो चेहरे और हुलिये से ही किसी बाइज़्ज़त फैमिली का फर्द दिखाई न देता था। हस्बे मामूल वो एक घने दरख्त के पास आकर ठहर गए थे। ये इलाका वैसे भी दूसरे इलाकों की नस्बत सुनसान था। वो बाइक से उतरकर उससे बेबाक अंदाज में मिलकर आगे बढ़ी। वो लड़का चला गया तो वो खुरामा खुरामा मस्त चाल चलती हुई आगे बढ़ने लगी थी। अचानक उसकी निगाह ऊपर उठी और आयजा बेगम को मलामती निगाहों से देखते हुए यकलख्त उसके चेहरे की खुशगवारियत में नापसंदीदगी के रंग फैलते चले गए थे और वो तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ गई थी। मुझे समझ में नहीं आती आंटी, आपको इरम का ये बिहेवियर देख कर भी इंसल्ट फील नहीं होती? पहले वो आपकी इज्जत करती थी, अब देखा आपने कितनी नफरत से वो आपको घूरती हुई गई है। नामालूम किस लम्हे हानिया वहाँ उनके पीछे दबे कदमों आ खड़ी हुई थी और उसने नीचे जो कुछ हुआ था वो सब देख लिया था और साथ ही उनका हाथ पकड़कर लाउंज में लाते हुए कह रही थी। वहाँ अम्मा भी बैठी तस्बीह पढ़ने में मशगूल थी। तुम्हें नहीं मालूम हानिया वो किस कांटों भरे रास्ते पर चल रही है। वो मासूम और सादा है, उसको मालूम नहीं वो दर हकीकत कांटे हैं फूलों के बहरूप में जो उसकी ज़िंदगी लहूलुहान कर देंगे। आंटी आप क्यों इस कदर फिक्र कर रही हैं? क्या उसकी माँ को मालूम नहीं है उनकी बेटी देर से घर क्यों आती है? क्या उनको मालूम नहीं होगा कि इरम ने वैन छोड़ दी है? और पता नहीं क्या क्या, मैंने इतने माह में कभी एक बार भी सलमा आंटी को टेरेस पर नहीं देखा। और इधर आप जब तक वो आ ना जाए परेशान टेरेस पर खड़ी बेकरारी से रास्तों को देखती रहती हैं। किस बात का खौफ है आपको और क्यों है जबकि वो महज पड़ोसी हैं? कई माह से उसके अंदर छुपा इस्तराब और तजस्सुस बिल आखिर आज बाहर आया था। तुम नहीं समझ सकती बेटी इन बातों को कि हमने तुम्हें इन बातों से बचाकर क्यों हिफाजत से रखा है, कदम कदम पर तुम्हारी रहनुमाई की है। ये फ़र्ज भी फिर उसकी माँ का है, आप क्यों अलकान हो रही हैं? उसका लहजा धीमा और खुफकी भरा था। हानिया क्यों बहस कर रही हो अपनी आंटी से, अपने काम से काम रखो बस। जो वो जानती हैं तुम नहीं जानती।
तस्बीहात से फारिग होने के बाद अम्मा भी ने हानिया को डपटा। अरे आपा, इसको कुछ ना कहें, मेरी फितरत तो आप जानती हैं, जहां भी बेहयाई और बेहिजाबी का खेल खेला जाता है मेरे अंदर आग की आग भड़क जाती है और मैं बेकुल और बेचैन हो जाती हूँ। वो हानिया का हाथ थपथपाते हुए भराए हुए लहजे में गोया हुई। मुझे गुस्सा इसलिए आया है आंटी कि वो आपको जिस नफरत और हकारत भरी निगाहों से देखती हुई गई है, मेरा दिल तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। नहीं, वो अभी मोहब्बत के जिस झूठे नशे में मदहोश है, इसमें वो हर उस शख्स से नफरत करेगी जो उसके रास्ते में आएगा। जब ये सब आप समझ रही हैं तो उसके वालदैन क्यों बुद्धू बने हुए हैं? मुझे यकीन है उसने घर में ना मालूम कैसे कैसे झूठ बोले होंगे, कैसे कैसे फरेब दे रखे होंगे, लेकिन मैं उस लड़के की प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगी। आज ही जाकर इरम के सामने ही मिसेस सलमा को सारी हकीकत बताऊंगी जो मैं रोज़ टेरेस से देखती हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इरम के तेवर मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगे, और अगर उसने आपकी बातों को झुटला दिया और आप पर यह तोहमत लगाई कि आप झूठ कह रही हैं और उसको रुसवा करना चाहती हैं, तो आप अपनी सच्चाई का क्या सबूत पेश करेंगी? किस तरह बावर करवाएंगी कि उनकी लाडली उनकी आंखों में धूल झोंक कर गैर मर्द से मोहब्बत की पतंगें बढ़ा रही हैं, सरेआम उसके साथ बेबाकी दिखा रही है। हम ही नहीं, इर्द गिर्द रहने वाले नामालूम कितने पड़ोसी देख रहे होंगे, लेकिन किसी ने आज तक मुंह से आवाज़ नहीं निकाली। सब इंजॉय करते हैं, मुफ्त का तमाशा देखते हैं आंटी, लेकिन मैं ये देख नहीं सकती। ये तमाशा सारे ख़ानदान की रसवाई होता है, अपनों को जुदा कर देता है, कब्रों में पहुँचा देता है। वो बेहद जज्बाती होकर जारों की तार रोने लगी। बी केयरफुल आयजा, मुझे भी तुम्हारा ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं लग रहा, अम्मा ने उनके शाने पर हाथ रखते हुए रसानियत से कहा। आपा, आप भी यही मशवरा दे रही हैं? उनके लहजे में दुख दर आया था। वो अभी बेदार हुआ था और यकटुक छत को घूर रहा था। हर लम्हा चेहरे पर छाई संजीदगी और उदासी गोया कम हो गई थी। उसको लग रहा था वो आज पहले से कभी इतनी पुरसकून और मीठी नींद नहीं सोया था। एक रात में गोया सदियों की नींद सोकर जगा था, और रात का तसव्वुर करते हुए उसको गुजरे वक्त और रात की एक एक बात याद आने लगी थी। वो कार अंदर लाया तो तीनों मुलाजमाएँ बड़ी जोशो खुरम खुशो खुरम वो कार अंदर लाया तो तीनों मुलाजमाएँ बड़ी खुशो खुरम उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, और उसको कार से निकलते देखते ही अपने प्लान के कामयाब होने की मुबारकबाद देने लगी थी। उसने जवाबन हाथ में पकड़े हुए खाने का शॉपर उनको पकड़ा दिया था और जेब से वॉलेट निकाल कर कई बड़े नोट उन तीनों की तरफ बढ़ाए थे। नहीं साईं, ये काम हमने अपनी खुशी से किया है, पहले ही आपके बेहद एहसान है हम पर, आपकी खुशी की खातिर ये छोटा सा काम किया है ये हम नहीं लेंगे। अल्लाह बसाई ने हाथ जोड़ते हुए मुरव्वत से कहा था, ये पैसे मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, ये तुम लोगों का इनाम है। जिस काम को तुम मामूली कह रही हो, ये काम बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था, जहाँ गलती की ज़रा भी गुंजाइश ना थी। और क्या कमाल एक्टिंग की तुमने रोने की, मैं एक लम्हे को तो डर ही गया था, तुम्हारा अंदाज़ इतना फितरी था मैं समझा वो सचमुच मर गई है। वो अब अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ बारिश तो ना थी मगर सर्दी बड़ी शदीद थी। वो कहकहा लगाता हुआ बोला तो वो भी मुस्कुराने लगी थी, साईं जी जब वो ऑफिसर अंदर आया था एम्बुलेंस में तो सचमुच हम डर भी गए थे कि अब ये चादर हटाकर देख रहा है और अब हम सब पकड़े जाएंगे। वो तो उनकी तरफ देखा तो पता चला वो मूसा साईं हैं, और फिर हमारी जान में जान आई। सोहनी वो मंजर याद करके कांप गई थी, कहाँ है वो? वो सहन में जाकर रुक गया था। कमरे में अभी तक बेहोश है? तुम लोग डिनर करो, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कतई डिस्टर्ब न करना, आगे कदम बढ़ाते हुए उनसे कहा था। साईं, गर्म दूध तो पियेंगे ना, मैं बुलाती हूँ। उसने इनकार कर दिया था और कमरे में आकर इतना बेसुध होकर सोया था कि अब जाकर आंख खुली थी। दिमाग से नींद का खुमार उतरा तो वो एक ही जस्ट में बेड से उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। सुर्ख ईंटों से बना लाल सहन मौसम सरमा की जर्दी माइल धूप में सोने की मानंद चमक रहा था। हवाएं सर्द थीं, हवा और धूप का इम्तिजाज बहुत खुशगवार महसूस हो रहा था। साईं जी, रात से वो अभी तक बेहोश है, क्या उसको होश में लाना नहीं चाहिए? रात से अभी तक उसके मुंह में पानी की बूंद भी नहीं गई, कहीं वो मरमरा ना जाए। अल्लाह बसाई ने दबे दबे लहजे में उससे कहा जो अभी नाश्ते से फारिग हुआ था। वो किसी गहरी सोच में गुम हुआ,
अल्लाह वसाई की दोनों बेटियां घर के काम काज में लगी हुई थीं। उसको जो बेहोशी की दवा दी गई है वो अपने टाइम पर ही असर ख़त्म करेगी। आप फिक्र ना करें, वो जल्द ही होश में आ जाएगी। मैं एक काम से जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि जल्द आ जाऊँ। शायद देर भी हो जाए तो इस दौरान उसको होश आ जाए। वो होश में आकर कितना भी चीखिए, चिल्लाए, हंगामा करे, आप में से कोई भी उस रूम के करीब नहीं जाएगा। मैं खुद हैंडल करूँगा। वो खड़ा होता हुआ संजीदगी से उन्हें समझा रहा था। जी बेहतर साईं, उन्होंने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। वो कोट पहनकर सहन के दूसरी तरफ गैराज में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया और साथ ही सोहनी गेट खोलने लगी थी। उसके जाने के बाद अल्लाह वसाई और सोहनी मिकाइल का कमरा साफ करने चली गई और हीर बज़ाहिर तो वहाँ सहन के तीनों अतराफ बनी क्यारियों में लगे पौधों को पानी दे रही थी, मगर उसकी सोच कमरे में लेटी बेहोश उस लड़की की जानिब मबजूल थी जो दुल्हन बनी किसी हसीनो जमील शहजादी की मानंद दिखाई दे रही थी। रोशन दान से आती तेज़ धूप ने उसके मदहोश जिस्म में हरारत पैदा की थी। दराज खूबसूरत घनी पलकें जो एक दूसरे से पेवस्त थीं आहिस्ता आहिस्ता वाह होना शुरू हुई थीं और लम्हों में खुल गई थीं, मगर चंद लम्हों तक उन आँखों में बेदारी की कोई रमक न थी। वो बेहिसो हरकत लेटी खलाओं में घूटती रही। खासी देर तक उसकी यही पोजीशन रही थी। बिलाखिर चंद लम्हों बाद उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसको याद आने लगा और दिमाग की गिरहें खुलने लगी थी। मैंने तुम्हारा सारा सामान बैग में रख दिया है, तुम सिर्फ सैंडल पहनकर जाना। किसी और शय की ज़रूरत हो तो बता दो ताकि मैं वो भी रख दूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके लहजे में बेहद बेजारी थी। कज़न मेहरू ने बड़ी मोहब्बत से बैग तैयार करते हुए इस्तफसार किया था। उसके इस दर्जे कड़वे और बेजार लहजे पर वो और अंदर आती अरूसा बेगम चौंकी थी और दोनों ने बेक वक्त उसकी तरफ देखा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है लीजा, किस अंदाज में बात कर रही हो? ज़रा ये तो सोचो कि निकाह में चंद घंटे बाकी हैं। पॉलर तुम दुल्हन बनने जा रही हो, अब ऐसी बातों से क्या फ़ायदा मेरी बच्ची, अरूसा बेगम ने उसको गले लगाते हुए कहा था। वो रोते हुए गोया हुई। इस शादी से बेहतर था आप मेरा गला दबाकर मार देती अम्मी, मगर सफ़ीर नामी जहन्नुम में ना धकेलती, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें उसमें क्या बुराई नज़र आती है? वो खुश शक्ल है, स्मार्ट है, हैंडसम है, इस सब के साथ साथ बिजनेस टाइकॉन है। तुम क्यों खुद को अपसेट कर रही हो? और सरासर नाशुक्री भी। मेहरू ने उसको उस दिन से ही इस तरह का शिकार देखा था जब से उसकी मंगनी सफ़ीर से हुई थी और लाख बार पूछने पर एक बार भी ना बताया था कि वो सफ़ीर को क्यों पसंद नहीं करती, ना ही वो किसी से अपना अफेयर बताती थी। सब ठीक हो जाएगा, तुम खाना लेकर आ जाओ, इसने सुबह से सिर्फ चाय पी हुई है, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जानती हूँ वापसी के बाद पॉलर से ये कुछ खाने वाली नहीं है। काला जान आप भी टेंस ना हो, ये बस नखरे दिखा रही है, देखिएगा सुबह सफ़ीर भाई के संग किस तरह खुशी खुशी आपको सलाम करने आएगी, वो शरारत से कहती हुई बाहर निकल गई थी। लीजा उसी तरह बेतासुर चेहरे के साथ बैठी थी। अरूसा बेगम ने करीब बैठकर उसके मेहंदी से सजे हाथ को देखा जिन पर खूबसूरत नक्शो निगार बने थे। वो दंग रह गई थी, जहाँ हिनाई रंग बिल्कुल फीका था, ज़रा भी सुर्खी ना आई थी, अजीब पीला पीला रंग था। वो बेसाख्ता कह उठी, ऐसा रंग तो कभी किसी के हिनाई हाथों पर ना देखा था। अम्मी सुर्ख रंग से मेरा दिल उलझता है, हाथों पर कहाँ से आता? क्या हो गया है तुम्हें मेरी बच्ची? तुम्हारी फरमा बरदारी सादत मंदी की धूम थी, कभी कोई ज़िद नहीं की, पलट कर जवाब नहीं दिया। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है ये आपको पता नहीं चल सकता, और मैं दुआ करती हूँ आज के बाद मैं इस घर में कभी वापस ना आऊँ। वो आंसू पीती हुई उस वक्त सख्त बेरहम और बेहिस लग रही थी। अरूसा बेगम ने दिल पर हाथ रख कर आह दबाई थी। कबल इसके कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा धाड़ से खोल कर फराज साहब वहाँ आकर सख्त तंजिया लहजे में बोले, अपनी लाडली को समझा देना, मेरे भाई के घर रहने सहने के तौर तरीके हैं, अगर कोई शिकायत आई तो देखना वो हाल करूँगा कि मुर्दों में रहेगी ना जिंदों में, सबकी बांदी बनकर रहना होगा इसको। वो इसी तरह दंदनाते हुए चले गए थे। लीजिए जनाब गर्मा गर्म मटन पुलाव, बाहरी बोटी, पराठे और बहुत कुछ हाजिर हैं, तुम जब तक ये खाओ मैं तब तक कॉफ़ी लेकर आती हूँ।
मेहरू ट्रॉली बेड के करीब खड़ी करती हुई गोया हुई, बेटा अगर चंदन एक्सीडेंट होने की वजह से गांव ना जाती तो तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, सदा खुश रहो तुम। अरुसा बेगम भांजी की शुक्रगुजार थी क्योंकि उनकी पुरानी मुलाजमा चंदन एक हफ्ता कबल ही हादसे का शिकार होकर गांव चली गई थी। मुलाजमाएँ और भी थीं मगर वो पुरानी और काबिले भरोसा थी। वो पार्लर में बेदिली से तैयार होती रही और अब कुछ सोचना वो नहीं चाहती थी। उसको तैयार करती लड़कियां भी हैरानों परेशान हो रही थीं कि उन्होंने कभी भी इतनी संजीदा बेजार सपाट चेहरे वाली दुल्हन नहीं देखी थी और ब्राइडल रूप में वो इस दुनिया की लगती ही ना थी। वो तैयार होकर बैठी ही थी कि उसको पिक करने चंदन आ गई थी। उसको देखकर पहली बार उसके चेहरे का सपाटपन दूर हुआ था। वह हैरान होकर बोली, चंदन मासी तुम और यहाँ, तुम्हारा पाँव ठीक हो गया, कब आई गाँव से? मेरे यहाँ आने तक तो नहीं आई थी। अरे माशाल्लाह बीबी, सोहना रब नज़रें बद से बचाएं, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही हैं आप। आपने कभी सिंगार नहीं किया ना, देखें कितना रूप आया है, और आपका यही रूप देखने के लिए तो आई हूँ। थोड़ी देर पहले ही घर पहुँची थी तो बेगम साहिबा कहने लगी कि मैं आपको पॉलर से लेकर आ जाऊँ, बारात आ गई है चलें। बारात का नाम सुनते ही लिजा का दिल बंद सा होने लगा, दिमाग एकदम बोझल होता चला गया। फिर उसको महसूस नहीं हुआ वो किस तरह उसके साथ पॉलर से कार तक आई, क्योंकि उस वक्त जब वो जाने के लिए खड़ी हुई थी बिजली चली गई थी और उस पूरे इलाके की लाइट गई थी। चंदन ने उसे कार में बिठाया, उसके दिल दिमाग और आंखों में गम और दर्द का ऐसा अंधेरा पहले ही छाया हुआ था कि उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे अजनबी को भी ना देखा। बीबी जी ये क्या हुआ है आपको, लगता है चक्कर आ रहे हैं। कार रवा दवा थी। अचानक चंदन ने पर्स से जूस निकालते हुए घबरा कर कहा और स्ट्रॉ उसके मुंह से लगा दिया और ज़बरदस्ती पिलाने लगी। थोड़ा सा पी लें बीबी जी, तबीयत संभल जाएगी, थोड़ा सा। उसने चंद घूंट ही लिए थे कि फिर उसे होश ना रहा था। उसे अब होश आया था और पूरी तरह आया था तो हैरत और खौफ से वो उछल कर बैठ गई। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत फर्श और दीवारें सुर्ख ईंटों से बनी हुई थीं। वहाँ फकत एक पुराने तर्ज का बेड था जिस पर वो बराजमान थी। बाईं दीवार में एक बड़ा सा ताक बना था जो खाली था। सामने लकड़ी का दरवाज़ा था जो बंद था। उसी दीवार में कुछ फासले पर सुलाखों वाली खिड़की थी, उसके पट बाहर से बंद थे। वो एक और एक दूसरा दरवाज़ा भी था जो शायद वॉशरूम का था। वो उठकर दरमियान में लगे दरवाजे की तरफ गई और दोनों हाथों से पीटते हुए चीखने लगी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कोई है, अल्लाह के वास्ते दरवाज़ा खोलो, कोई है यहाँ। वो मुसलसल दरवाज़ा पीटते हुए चीख रही थी मगर बाहर से कोई जवाब ना आया था। दरवाज़ा पीटते पीटते उसके हाथ शल हो गए और आवाज़ बढ़ाने लगी थी। वो खौफ में मुब्तला हो गई थी कि वो अगवा हो गई है। अगवा किसने किया है और क्यों, अभी वो ये सोच ही रही थी कि दरवाजे के बाहर कदमों की आहट उभरी थी। सुबह सवेरे ही बारिश रुक गई थी मगर मौसम में सख्त सर्दी, हवाओं में नमी अब भी मौजूद थी। आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे कॉफ़ी जिंगर बर्गर और फ्राई से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कल वाली रुदाद सुनाने में मसरूफ़ थे। मुलाजमा चंदन ने खूब साथ दिया हमारा, एक तो 5 लाख रुपए की लालच, मुतजाद पुलिस ऑफिसरी का रोब, उसने क्या शानदार काम किया। ये मैं उसको पहले ही समझा चुका था कि सारी मालूमात देने के बाद वो किसी भी बहाने या हादसे का झूठ कह के उस घर से रफू चक्कर हो जाए। फिर उसका काम कुछ दिन बाद गांव से वापस आकर लड़की को पॉलर से लाना और एक मखसूस मुकाम पर उतर कर फिर हमेशा के लिए गाँव चले जाना है, और उसने ऐसा ही किया। मगर वो जिंगर का आखिरी नवाला लेता हुआ कुछ तोकफ के बाद गोया हुआ, ड्यूटी तुमने भी निभाई, मेरी खातिर शोफर बनकर ना सिर्फ उसको वहाँ से लेकर आए बल्कि बड़ी सफाई और महारत से उस लड़की को उसने एम्बुलेंस तक में मुंतकिल किया और अपनी पुलिस पार्टी के हमरा उसी रोड पर मौजूद रहकर खतरों को टालते रहे, वेल डन। फराज और उसकी फैमिली मुल्की सतह पर बेहद नामवर हैं और अगर हमने फुल प्रूफ प्रोग्राम ना बनाया होता तो हम पहले ही मुकाम पर पकड़े जाते। अगर बरवक्त
पावर हाउस से लाइट्स ऑफ ना की जाती, हालांकि ये सब महज 10 मिनट तक हुआ था और हमारे लिए इतना ही मौका बहुत था। मासी चंदन को उसकी बाकी शुदा रकम देकर मैंने रिक्शे में सवार कर दिया था और एम्बुलेंस तक सारी कार्रवाई तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक हुई थी। हस कम जहाँ पग वहाँ का हाल बताओ, मेरा मतलब फराज के घर का। गर्मा गर्म कॉफ़ी के मगों से निकलता धुआं गोया उसकी आंखों और लहजे से निकलने लगा था। आवाज़ में अजदहों जैसी फुंकार आ गई थी। बहुत बुरा हाल है उसका, वो अपना सर दीवारों में मार रहा है, बाल नोच रहा है, मुगलिजात बक रहा है। बहुत बुरी हालत है उसकी। उसके बड़े भाई फरजाद के बेहद असरो रसूख हैं। बात ऊपर तक पहुँच गई, मीडिया और प्रेस से इस रसवाई अमेज़ खबर को छुपाया गया है। कल रात गए तक ये इलाके पुलिस स्टेट बने हुए थे, मगर सख्त निगरानी अब भी शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की हो रही है। वो गुफ्तगू करता हुआ कॉफ़ी पी रहा था। मिकाइल के लबों पर अजीब मुस्कुराहट थी। बस मुझे किसी और की परवाह नहीं है, तुम उस फराज की पल पल की खबर देते रहना हेडक्वार्टर में, ताकि तुम पर कोई शक ना हो। ओके, जो हुक्म सरकार। ये बताओ वो लड़की कैसी लगी तुम्हें? वो मेरे आने तक होश में नहीं आई थी। कॉफ़ी पीते हुए उसने लापरवाही से कहा, जबकि मूसा ने कप मेज़ पर रख दिया और घबरा कर कहा, रियली वो होश में नहीं आई थी? रात से अब तक 24 घंटे होने वाले हैं, कहीं वो उसको कुछ हो तो नहीं गया? डर क्यों रहे हो, साफ साफ कहो, कहीं वो मर तो नहीं गई? उसके लहजे में सफ़ा की और सर्द मोहरी थी। तुम महावरतन नहीं हकीकतन संगदिल हो। हस्बे आदत तुमने उसकी सूरत देखनी गवारा न की होगी, ना खुद गए होगे ना मुलाजमाओं को उसके पास जाने की इजाज़त दी होगी। वो हैरान हुआ। ऑफकोर्स, क्या ज़रूरत है उसको होश में लाने की? ना आए मर जाए, माई फुट। वो सख्त बेरहम और जालिम लग रहा था। तुम्हारी नफरत हक बजानिब है, लेकिन किसी की जान लेना सरासर जुर्म है। वो कॉफ़ी पीना भूल गया था। चलो कॉल करो अपने हेडक्वार्टर, सिपाही बुलवाओ और मुझे हथकड़ी लगा कर ले जाओ और जेल में बंद कर दो। करो कॉल, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मिकाइल प्लीज़ मेरी बात सुनो। शट अप, कॉल करो अभी और इसी वक्त। अच्छा यार सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो शर्मिंदा हुआ। कान खोल कर सुन लो, उस शख्स से जुड़ी हर शय से मुझे नफरत है। शायद नफरत से बढ़कर कोई जज्बा है। तुम आइंदा इस मामले में ना बोलना, ये मेरी वार्निंग है तुम्हें, वो गुर्राया था। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, कल से अब चेहरा दिखाया है। तुम तो कह रहे थे सुबह ही आ जाओगे, अब रात में आ रही हो। अम्मा सदीका ने सलाम का जवाब देते हुए उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, अम्मा आपने कल न्यूज़ में देखा होगा ना, दहशतगर्दों की शहर में दाखिल होने की इत्तला थी। इसी सिलसिले में रात से सुबह तक हम चेकिंग में मसरूफ़ रहे थे, फिर ऑफिस में कुछ काम था। अच्छा, कल हम वॉक पर निकले तो सड़कों पर पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी। घर आकर टीवी खोला तो कोई खबर ना थी। अंदरूनी दहशतगर्दों का मामला था, फिर वो पकड़े गए। चंद लम्हे वो कुछ कह ना सका। उसकी निगाहों में मिकाइल का चेहरा था। कहाँ खो गए बेटा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो दहशतगर्द पकड़े गए या भाग गए? मुँह लटका कर आए हो, लगता है भाग गए। अम्मा सदीका हंस पे आदत सवाल दर सवाल किए जा रही थी। वो इतला गलत और झूठ थी, वो यही कह सका। तुम्हारे लिए खाना ले आऊं या चाय पियोगे बेटा? फिलहाल तो सोऊंगा, रात से सोया नहीं हूँ। आंटी और हानिया कहाँ गई हुई हैं? वो उठता हुआ पूछने लगा। कुछ देर कबल ही शॉपिंग करने गई हैं। हानिया को आजकल बेकरी आइटम्स बनाने का खप सवार हो गया है। आयजा सामान दिलाने के लिए गई है। अल्लाह खैर करे, अब ये तमाम बेकरीज बंद करवाएगी, वो हंसता हुआ बोला। हर वक्त मजाक और मस्ती में लगे रहते हो, संजीदा भी हो जाया करो। वो हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया और नींद ने कब उसे आ लिया उसको पता ही ना लगा। वो बेदार हुआ तो आयजा बेगम और हानिया आ गई थीं। अम्मा नमाज अदा कर रही थीं। हानिया से छेड़छाड़ करके वो आयजा बेगम के पास बैठ गया। वो उससे कल की मसरूफियात के बारे में पूछती रहीं, साथ ही ये भी बताया कि मिकाइल की कॉल आई थी। वो कह रहा था ज़मींदार से कुछ बातचीत हो रही है, वो कल या परसों इंशाल्लाह आ जाएगा। जी मेरी भी बात हुई थी, यही डिस्कस कर रहा था। उसकी झुकी निगाहें झूठ के बोझ से ऊपर न उठ सकी थीं। मिकाइल को कभी भी गांव से दिलचस्पी नहीं थी, ये अचानक गांव की ज़मीन खरीदने का शौक कैसे बढ़ गया? मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार है इस पूरे हफ्ते से, और कल से तो मुझ पर
कोई ना दिखाई देने वाला बोझ ऐसा आन पड़ा है कि दिल किसी गहरे समुंदर में डूबती कश्ती की मानंद धीरे धीरे डूब रहा है। आप इस कदर क्यों सोच रही हैं आंटी? वो आहिस्तगी से गोया हुआ मगर तिल ही दिल में उनकी मोहब्बत एहसास तड़प को देख कर हैरान था कि माँ का दिल अल्लाह ताला ने किस कदर गुदाजो हसास बनाया है कि एक ख़ास इल्हामी किस्म की कैफियत मौके पर दस्तक देती रहती है। मूसा, मैंने तुम्हें भी मिकाइल की तरह ही पाला है, उससे जितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करती हूँ, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर रिक्कत अमेज लहजे में कहा। यह आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं किसी मुनाफ़कत और झूठ का सहारा नहीं ले रही हूँ, कोई चापलूसी नहीं कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं आंटी, आपने हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी है, हमारे लिए आप ही माँ हैं बल्कि माँ से बढ़कर हैं, मूसा ने उनके हाथ चूम कर मोहब्बत से कहा। फिर एक बात मुझे सच सच बताओगे? उसका दिल उछलने लगा, वो समझ गया था कि वो क्या पूछना कि अब क्या पूछा जाएगा। इस हफ्ते मिकाइल की सरगर्मियाँ क्या रही हैं, वो कल रात से कहाँ हैं? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो जायज़ है और मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। तुम वादा करो हर हाल में वो बंद रखोगे? शब जुम्मा वो उसको लेकर नमाज अदा करने जामिया मस्जिद आ गया और नमाज से फारिग होकर अपना माजी सुनाकर वो उससे वादा ले रहा था। वक्त आने पर मैं खुद मामा समेत सबको हकीकत से आगाह करूँगा, मगर वक्त से पहले कुछ जाहिर हुआ तो वो मर जाएंगी। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम क्यों इतने बेयकीन हो रहे हो? वादा करता हूँ जबान कटवा लूँगा मगर खामोश रहूँगा। मामला मामा की हसास तबीयत का है, वो यकीनन असलियत की खोज में लगी रहेंगी। मैं जानता हूँ मेरे चेहरे से वो अमूमन मेरे अंदर की कैफियत जान लिया करती हैं और मेरी स्पेशल मसरूफियत उनको मुस्तरिब रखेगी और देखना किसी न किसी तरह तुमसे ही पूछेंगी। और अगर जज्बात में बहकर आधा सच भी तुम्हारी ज़बान से निकल गया तो सोच लेना मेरा हासिल ला हासिल बन जाएगा, कयामत से पहले कयामत आ जाएगी और मौत। एक हफ्ते कबल मस्जिद यानी अल्लाह के घर में उसने मिकाइल से वादा किया था। किस सोच में गुम हो गए मूसा? उनकी आवाज़ उसको चौंका गई। मैं सोच रहा हूँ आपको किस तरह यकीन दिलाऊं, मिकाइल ज़मीन खरीदने के सिलसिले में ही गांव गया है, आप बेफिक्र हो जाएं, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, ये मैं सच कह रहा हूँ। वो एक नहीं कई कदमों की आवाज़ें थीं, अलबत्ता पहले कदम की आवाज़ भारी और मजबूत थी। वो जुनूनी अंदाज में चीखने और दरवाज़ा पीटने लगी, फिर चंद लम्हों बाद ही दरवाज़ा बाहर से इतनी शिद्दत से खोला गया और चूंकि वो दरवाज़े से चिपकी हुई थी इस तूफ़ानी झटके से बेऔसान होकर फर्श पर गिर पड़ी थी। ओह, गिर गई है। मासी अल्लाह वसाई ने लपक कर उसको उठाना चाहा मगर उसकी करख्त आवाज़ पर वहीं रुक गई। मैंने कहा था मेरे हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होगा। जी जी साईं, भूल गई, भूल हो गई बस, फिर कभी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। उसकी सख्त आवाज़ पर वो तीनों ही गर्दन हिलाने लगी और इस असना में वो भी खौफो इस्तेजाब से उनको देखती हुई खड़ी हो गई थी। कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? वो मिकाइल को घूरती हुई तेज़ लहजे में बोली। सोनी, इसकी ज्वेलरी उतारो और तुम लोग आपस में बाँट लो और इसको अपना ड्रेस दो, ये ड्रेस भी तुम ले लो, अब ये कोई चीज़ इसके काम की नहीं है, अगर ये कुछ खाने की ख्वाहिश करे तो ला दो। अल्लाह वसाई, सोहनी और हीर उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। सारी रात और दिन गुजारने के बावजूद वो इसी तरह खूबसूरत और दिलकश दिखाई दे रही थी। जेवरात थे जो कुछ उलट पुलट हो गए थे, वरना अरूसी दुपट्टे का पिन भी इधर से उधर ना हुआ था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब तो मुझे। वो वापसी के लिए मुड़ते मिकाइल का पीछे से कॉलर पकड़ती हुई चीखी। उसके कीमती थ्री पीस सूट और शाहाना कदरे मगरूराना अंदाज से वो समझ गई थी कि वो उसके अगवा में मुलविस है और वो तीनों देहाती टाइप की औरतें उसकी मुलाजमाएँ हैं। उसने झटके से कॉलर छुड़ाया। औरत समझकर पहली और आखिरी बार इस घटिया हरकत को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम किसी रियायत की तवक्को मत रखना, कहकर वो आगे बढ़ने लगा। वो जो उससे झटका खाकर दूर हुई थी दीवानगी से कहती हुई फिर उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक वो तीनों उसकी राह में हाइल हुई और उसे उसकी तरफ बढ़ने नहीं दिया। हट जाओ तुम लोग मेरे रास्ते से,
इससे पूछने दो ये मुझे यहाँ लाया क्यों है। यहाँ आई मुझे कितना वक्त गुजरा है। चंदन कहाँ है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उन तीनों को किसी दीवार की मानंद उस शख्स के पीछे खड़े देख कर वो चीखने लगी। वसाई, इस बददमाग लड़की को बता दो इसके किसी भी सवाल के जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूँ। तुम लोग वही करो जो मैंने कहा है, मिकाइल कहकर ना पलटा था ना रुका था। सोनी और अल्लाह वसाई उसकी तरफ बढ़ी ताकि ज्वेलरी के लिए जो हुक्म मिला है वो पूरा कर सकें। हीर खड़ी खड़ी उसको देख रही थी। ले लो ये सारी ज्वेलरी, ले लो ये सूट भी, दे दूंगी तुमको और जितना पैसा दौलत मांगोगी सब दिलवाऊंगी, बल्कि तुम्हें घर में जॉब भी दे दूंगी। ये आदमी बहुत जालिम है, तुम लोगों के साथ उसका रवैया बहुत तहकीराना और सख्त है। मेरे घर वाले तुम लोगों की बेहद इज्जत करेंगे, बस तुम मुझे बता दो वो कौन है, क्यों और किस तरह मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ। और बस बस मैडम जी, आज की क्लास हो गई है, बाकी कल के लिए बचा के रखें। सोनी ने सख्त तंजिया अंदाज में जेवरात समेट कर दुपट्टे में बांधते हुए कहा। जेवरात उतारने में उसने कोई मजाहमत ना की थी और ख़ुद भी जल्दी जल्दी उतार कर उन्हें दे रही थी कि भारी भरकम जेवरात से उसको तकलीफ़ होने लगी थी और उनको लालच भी दे रही थी कि सोनी के सख्त और तंजिया लहजे ने उसको हैरान कर दिया। तुम अपना पैसा दौलत सब अपने पास रखो, अल्लाह साईं के बाद जिसने हमें सहारा दिया है वो हमारा साईं है, वो हमसे किसी भी अंदाज में बात करे हमें बुरा नहीं लगता, वो अगर गुस्सा करता है तो इज्जत भी उतनी ही करता है, ऐसा कोई भी साहब लोग अपने नौकरों का ख्याल नहीं करता है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाती हूँ और अम्मा वसाई खाना लाती है, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। सोनी तेज़ी से कहती हुई उठी और वो तीनों कमाल पुरती से बाहर निकल कर दरवाज़ा लॉक करके चली गई। उसने चीखते हुए उनके साथ ही बाहर निकलना चाहा था मगर यकलख थी नकाहत और कमज़ोरी इस बुरी तरह हावी हुई कि वो चकरा कर रह गई थी। साईं, आपका पसंदीदा खाना पकाया है, खाना लगाऊं? तुम लोग खाओ जाकर, मेरी मीटिंग है ज़मीन के सिलसिले में, वहीं खाने पर इनवाइट हूँ, वो खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए बोला। साईं, वो लड़की बहुत अड़ियल है, कुछ नहीं खाएगी उसने कह दिया है, मुझे तो डर लग रहा है उसने कल से कुछ नहीं खाया है, और गो टू हेल, मरती है तो मरने दो। अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई जो किसी धमाके से कम न थी। किस कदर अनोखा है राबता मोहब्बत का, कब न जाने हो जाए मौजा मोहब्बत का, अपनी ज़ात से भी वो अजनबी लगता है जिसके साथ हो जाए हादसा मोहब्बत का। धमाके की आवाज़ सुनकर सबसे पहले भागने वाली हीर थी, उसके पीछे सोहनी और फिर अल्लाह वसाई थी। उन्होंने उजलत में खिड़की की कुंडी खोली थी, सामने का मंजर उनके लिए हैरान कन था कि पानी की सुराही दरवाजे के पास टूट कर बिखरी हुई थी जबकि वो खूनख्वार निगाहों से कमरे के दरमियान में खड़ी उन लोगों को देख रही थी। अल्लाह वसाई, मिकाल की गर्जदार आवाज़ सुनकर वो तीनों भाग कर आईं। साईं साईं, उस लड़की ने सुराही उठाकर फेंक दी, अल्लाह वसाई ने आते ही उसके कुछ भी कहने से कबल कहा, जब मैंने कहा था कि उसके कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी जाएगी फिर इतनी बड़ी गलती तुम लोगों से क्यों और कैसे हुई। उसके सख्त और गरजदार आवाज़ लिजा की समातों तक भी पहुंच गई थी जो खिड़की से बाहर फैलते अंधेरे को देख रही थी जिसके सिवा कुछ दिखाई ना दे रहा था और लगता था वो आवाज़ थोड़े फासले से आ रही हो। वो साई मसहरी के नीचे से हटानी याद नहीं रही थी। अल्लाह वसाई और उसकी बेटियां बेहद डर और ताज्जुब का शिकार थीं कि आज से पहले उन्होंने मिकाइल को शदीद इश्तियाल अमेज़ अंदाज में नहीं देखा था। बेशक वो कम गो और संजीदा था मगर गुस्से करने वाला हरगिज़ नहीं था। जाकर फौरन सफाई करो, कोई टुकड़ा नहीं रहना चाहिए वहाँ पर और ना ही उसको बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए। वो वहीं तख्त पर बैठ गया था, वो तीनों हुक्म मिलते ही वहाँ से चली गई थी। वो सोचने लगा सुबह यहाँ से घर जाने के लिए निकल जाए, अभी वो यहाँ ज़मीन देखने जा रहा था, ज़मीन उसको मिल गई थी, सिर्फ लेन देन के कागजात पर दस्तखत करने थे और मूसा के फ़ोन ने उसको ज़हनी तौर पर उलझा दिया था ये बताकर कि ममा उसकी सरगर्मियों को मशकूक समझ रही हैं। यही सोच उनको बेचैन और मुस्तरिब किए हुए है, वो हाइपरटेंशन और शुगर की मरीज़ा थीं और ये सब उनके लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता था। असलियत वो उनको नहीं बता सकता था,
उसी लम्हे दूसरी तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं तो वो उठकर उस कमरे में आया। कमरे में दाखिल होते ही वो हैरान खड़ा रह गया। वो लड़की उन तीनों से गुत्तम गुत्ता थी। साईं साईं, ये यहाँ से भागना चाह रही है और हमारे इनकार पर। अल्लाह वसाई, गंद में रंगत और भारी भरकम जिस्म की मालिक थी और इस वक्त उस छलावा बनी लड़की को काबू करने की जस्तुजो में बुरी तरह हाँप रही थी। मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वहाँ मेरे घर वालों पर कयामत गुजर रही होगी। वो उनको छोड़कर मीकाइल की तरफ बढ़ी। जितना खामोश रहोगी उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो उसकी तरफ देखे बिना करख्तगी से गोया हुआ, क्यों चुप रहूं? तुम्हें बताना होगा वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अचानक उसने शर्ट में छुपा सुराही का तेज नोक वाला टुकड़ा उसकी गर्दन में मारना चाहा, मगर निशाना चौंकने के बाइस वो कांधे पर लगा और खून की फवाश निकलने लगी थी। मौसम में खनकी कुछ कम हुई थी, हवाओं में अब भी तेजी थी। वो तीनों बंगले के सामने बने पार्क में मामूल के मुताबिक दूसरी औरतों के साथ वॉक करने में मसरूफ थी। सो इत्तफाक के आज रोहा भी अपनी माँ हाजरा बेगम के हमरा वहाँ मौजूद थी। हाजरा हस्बे आदत उन तीनों से बड़ी मोहब्बत और इखलाक से मिली थी। अलबत्ता आयजा को देखकर रोहा के चेहरे पर फैलने वाली कदूरत को फकत उन्होंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया था और वो दिल महसूस कर रह गई थी। फिर दीगर पड़ोस से आने वाली खवातीन के साथ सब घुल मिलकर चहलकदमी करने लगी थी। आयशा बेगम जो पहले ही मीकाइल की दूरी को शिद्दत से महसूस कर रही थी, मुतजाद रोहा की नफरत भरी निगाहों और बेगानगी भरे रवैये ने उनको यकदम बेदम सा कर दिया था। वो कुछ देर चहलकदमी करके एक बेंच पर बैठ गई थी। यहाँ दरख्ते और लाइट ख़राब होने के बाइस नीम अंधेरा हो गया था। वहाँ बैठी वो सोच रही थी कि आजकल की नौजवान नस्ल किस तेज़ी से मगरिब की अंधी तकलीद में गुमराह हो रही है। घर वालों के एतमाद और एतबार को धूल बनाकर उड़ा रहे हैं। किसी के समझाने की, सच्चाई का रास्ता दिखाने की कोशिश को भी नफ़रत की निगाह से देखते हैं। जिस तरह रोहा ने चंद लम्हों कबल उन्हें किस कदर नफ़रत और हकारत भरी निगाहों से देखा था, मगर आज तो उसके अंदाज में अजीब ही कोई बात थी। इस अंदाज में वो रोज़ मुझे देखती है, लेकिन अभी मुझे यहाँ देखकर जिस तरह वो चौंकी थी, वो बहुत चौंका देने वाला अंदाज था। गोया जैसे इस वक्त मेरी यहाँ मौजूदगी उसके लिए नाकाबिले यकीन हो। अरे बाबा, इतना हाइपर होने से पहले मेरी बात तो सुन लो। उन्हें कुछ फासले पर दरख्त के नीचे से रोहा की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें तो मालूम है ना डियर, मैं तुम्हारी खातिर मम्मी के साथ वॉक पर आई हूँ, वरना मुझे वॉक की ज़रूरत नहीं। उसकी आवाज़ में कदर जाम और ख़ुद नुमाई पिन्हा थी। दूसरी तरफ से भी उसकी बात की तायद की गई थी, शायद जब भी वो फखरिया हंसी थी। वो रोज़ गैलरी में खड़े होने वाली बला यहाँ भी मौजूद है। रियली, आज मुझको यकीन होने लगा है वो औरत के रूप में कोई चुड़ैल है जो हमारे पीछे लग गई है। नामालूम किस तरह से उसको हमारे प्लान की खबर हो जाती है जब वो पहले ही उस जगह मौजूद होती है। अब भी मैंने उसको देखा है, वो कहीं नहीं है, चली गई है। तब मैं इस जगह से बात कर रही हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, सब अपने काम में मसरूफ़ हैं। अंधेरे और खामोशी में उसकी आवाज़ वाजह सुनाई दे रही थी और कुछ वो यूँ भी बेफिक्री से बात कर रही थी कि लोग यहाँ से दूर थे। तुम बेफिक्र रहो, मैंने खूब अच्छी तरह से देखा है, वो चुड़ैल कहीं नहीं है, यहाँ से चली गई है। बस तुम ये बताओ कब तक आओगे? मैंने तमाम ज्वेलरी और पैसा बैग में रख लिया है। मम्मा और पापा की गैर मौजूदगी में उनको कानों कान खबर नहीं हुई। आयशा बेगम गोया सांस रोके उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। वही होने जा रहा था जिसका उन्हें खदशा लगा रहता था। वो बेहद मुस्तरिब और परेशान होने लगी। मिडनाइट तक आओगे जब सब सो चुके होंगे? ओके, ये भी ठीक है। मैं अभी से पल पल गिन कर गुजार रही हूँ और ये आधी रात तो मुझे कितनी दूर लग रही है। एनीवेज, हमें हमेशा साथ रहने के लिए ये चंद घंटों की दूरी बर्दाश्त करनी ही होगी। वो कुछ देर तक नई ज़िंदगी की बातें और प्लानिंग करती रही, फिर फ़ोन बंद करके खड़ी हुई और अपने पीछे खड़ी आयशा बेगम को देखकर बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकली। अपने होठों पर हैरतों खौफ से हाथ रखे वो फटी फटी निगाहों से आयशा बेगम को देख रही थी। आप यहाँ से गई नहीं थी? उसकी गुठी गुठी बौखलाई आवाज़ हलक से बरामद हुई। नहीं, तुम्हारे आने से कबल मैं यहाँ बैठी हुई थी और मैंने सब सुन लिया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बार बार समझाया था, वो लड़का अच्छा नहीं है।
वो सिर्फ तुम्हें मोहब्बत का फरेब दे रहा है। आज साबित हो गया ना उसके मकरो फरेब का, वो तुम्हें इज्जत से घर ले जाने की बजाय घर से भगा कर ले जाना चाहता है, जो वो मुझे इज्जत के साथ ब्याह कर ले जाना चाहता है। मगर यहाँ प्रॉब्लम हमारी कास्ट का है, मेरी मम्मी पापा कभी भी मुझे उसके साथ रुख्सत नहीं करेंगे। उसने तुम्हें प्रपोज किया, कभी तुम्हारे मम्मी पापा को अपना प्रपोजल दिया है? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हमारी फैमिलीज कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि उन पुराने लोगों को अपनी औलाद से बढ़कर ज़ात बरादरी अजीज़ होती है। इसीलिए हमने फैसला किया है हम रात को यहाँ से जाकर सुबह कोर्ट मैरिज कर लेंगे। शादी के कुछ अरसे बाद हम लोग वापस आकर माफ़ी मांग लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ आप मम्मा को कुछ नहीं बताइएगा, कुछ दिनों बाद हम वापस आकर सब बता देंगे, हम वापस ज़रूर आएंगे। वो अब हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत कर रही थी। रोहा, तुम फूल समझकर अंगारों पर चल रही हो, इसकी खबर तुम्हें तब होगी जब तुम पूरी तरह खाकस्तर हो जाओगी। वो लड़का तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, अगर फ्लर्ट कर रहा है तो मुझसे ही कर रहा है। आपको क्या तकलीफ़ है, और आप होती कौन है मुझसे हमदर्दी करने वाली, जो हर वक्त मेरी ही टो में लगी रहती हैं। जाएं जाके अपना काम करें। उनको अपने मौक़िफ़ पर कायम देखकर उसकी मिन्नत समाजत बदतमीज़ी में बदल गई। वो बदलिहाजी और बदतहजीबी की हदें फैलांग कर बोली, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, मगर अब मुझे लगता है पानी सर से ऊपर हो गया है। मुझे अभी फ़ौरन तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे इन घटिया अजाइम से आगाह करना होगा। मैं तुम्हें एक अरसे से ये सोचकर समझाती रही कि तुम पर मेरी कोई नसीहत कोई बात असर कर जाएगी और तुम इस दलदल से बच निकलोगी, मगर तुम इस फरेब में पूरी तरह डूब चुकी हो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। आखिर आपको मुझसे क्या दुश्मनी है, क्यों आप आसेब की तरह मेरे पीछे लग गई हैं? मम्मी पापा मेरी बात नहीं मानेंगे, इधर आप खामखा मेरे रास्ते में आ रही हैं। अगर आपकी कोई बेटी नहीं है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों की बेटियों की खुशियाँ उजाड़ती फिरें। बेटी पैदा ना होने की सज़ा हमको तो ना दें। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तुम्हें इस अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगी। तुम मेरी बेटी हो, इस जहान की सारी लड़कियां मेरी बेटियां हैं, और मैं अपनी किसी भी बेटी को तबाह नहीं होने दूंगी। उनकी हालत यकदम हजियानी सी हुई और वो तेज़ी से पलटना ही चाहती थी कि रोहा ने घबरा कर उनका बाजू पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आप मम्मी और पापा को कुछ भी ना बताएं, मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। नहीं नहीं, तुम झूठ कह रही हो। तुम जाओगी, ज़रूर जाओगी। अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगी, अब तो आप यकीन कर लें प्लीज़। मैं उससे अब मिलूंगी भी नहीं, अब देखिएगा। तुम सच कह रही हो, मुझे यकीन नहीं आता। मैंने अल्लाह की कसम खाई है, इससे बढ़कर क्या सबूत होगा। उन्होंने उसको गले से लगा लिया था। तेज़ी से निकलता खून देखकर वो लड़की भी कुछ सरासीमा सी होकर पीछे हुई थी। शायद वो इतनी दलेर ना थी जितना खुद को जाहिर कर रही थी। साईं, खून तेज़ी से निकल रहा है, अल्लाह वसाई ने घबराए हुए लहजे में आगे बढ़कर कहा। तुम मेरी परवाह मत करो, इसको देखो, अगर ये अब कोई ऐसी हरकत करे तो जो सलूक करना चाहो बिना झिझक करना। पहले इसके कपड़े तब्दील करवाओ और खाना दो, खाए ठीक है, नहीं खाएगी तो भूख से मर जाए बेशक। वो कहकर चला गया। खून बहकर उसके शर्ट और कोट को सूर करने लगा था। किसी खंजर की तरह शाने से कुछ ऊपर घाव आया था और जख्म शदीद तकलीफ करने लगा था। लिजा उन तीनों को खूनख्वार निगाहों से अपनी तरफ घूरता पाकर कोई मजामत ना कर सकी थी, ना ही उसमें अब उनसे मुकाबला करने की हिम्मत बाकी रही थी। उसने सोनी का सादा सा लाया हुआ सूट और साथ ही उसके अजरक भी थी जेबतन कर ली थी। अटैच्ड बाथ में उसने पानी से कम और आंसुओं से ज़्यादा चेहरा धोया था, मगर फिर भी सुकून हासिल ना हो सका था। दिल था कि भर भर कर आ रहा था। वो तीनों खाना और पानी रख कर जा चुकी थी। वो बेड पर बैठ गई, खाने की ट्रे और पानी की तरफ निगाह उठाकर बिना देखा था कि दिल वहशतों के सहराओं में गुमशुदा था। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी थी, सर्दी उसी हिसाब से बढ़ने लगी थी। पहले वो पांव लटका कर बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पांव ऊपर करके बैठने के साथ ही अजरक को अच्छी तरह लपेट लिया और कुछ देर बाद ही वो पैंती पर रखे कंबल में लिपटी, तकिए पर सर रखे ये सोच रही थी, ये हकीकत है या ख्वाब? उसको अगवा करने वाला शख्स कौन है और इस अगवा से उसको क्या हासिल होगा? वक्त भी नामालूम कितना गुजर गया है, कितनी देर वो बेहोश रही। इस तमाम अरसे में उसकी माँ पर क्या गुजरी होगी और क्या गुजर रही होगी कि माँ के अलावा किसी को फिक्र थी ही ना।
ना कोई परवाह थी। उसको अल्लाह के बाद ज़िंदगी देने वाली जो ज़ात थी वह फ़कत उसकी माँ की थी, पर ना बाप और भाई को उसकी ज़रूरत थी ना मोहब्बत। उन्होंने हमेशा उसको बहुत समझा था। उसका बाप शिद्दत पसंद मजहबी शख्स था, मजहबी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना उनका जुनून था। मगर यह बेहद अजीब और नाकाबिल फहम बात थी कि वो बीवी की रत्ती भर भी इज्जत करना गवारा नहीं करते थे, और इसके लिए मुमकिन होता तो वो पैदा होते ही उसको ज़िंदा दफन कर देते। नामालूम क्यों उनको बेटियों के वजूद से चिढ़ थी। मामा के कहने के मुताबिक शर्जील भाई की पैदाइश पर खूब खुशियाँ मनाई गईं। हर साल उनकी सालगिरह धूमधाम से मनाई जाती थी और उसकी सालगिरह पर पेस्ट्री तक लाने की इजाज़त ना थी, लेकिन मामा खामोशी से उसका भारी सदका दिया करती थी। भाई भी बाबा के नक्शे कदम पर रवा दवा था, काम मुलाजमा की तरह करवाया करता था, मगर कभी एक लफ्ज़ प्यार से बोलने का रवादार ना था। अब इस तरह उसकी गुमशुदगी को उन्होंने अपनी अपनी मर्जी के जामे पहनाए होंगे और मामा के गले में कैसे कैसे जिल्लत अमेज तोक डाले होंगे, तानों तिश्नों की बेड़ियों से जकड़ दिया होगा। और बाबा का कोई भरोसा ना था, जिन्होंने ज़बान के साथ साथ हाथ और पाँव का भी बेदरग इस्तेमाल किया होगा और कर रहे होंगे। आयजा बेगम के चेहरे पर बेटे को करीब देखकर पुरसकून मुस्कुराहट तारी हुई। वो कुछ दिनों से बहुत उलझा बेचैन और बेकुल दिखाई दे रहा था, गो कि वो उनसे अपनी कैफियत मख्फी रखे हुए था। हर लम्हा खुद को हशाश पशाश और मुतमईन रखने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में कदरे कामयाब भी था। किसी फ़र्द को उसकी हालत का अंदाज़ा ना हो सका था, मगर वो माँ थी। माँ में रब ने एक औसत दर्जे की इल्हामी कैफियत रखी है, जो औलाद के दुख और गम छुपाने के बावजूद भी उसको महसूस हो जाती है। और यही उनके साथ भी हो रहा था कि वो उसको सामने देखकर मुकम्मल तौर पर ना सही कुछ पर कुछ तो पुरसकून हो गई थी। वो सुबह आ गया था, ज़मीनों की ख़रीदारी के डॉक्यूमेंट्स फाइल की सूरत में उसके हाथों में थे। कुछ देर पहले ही वो लोग नाश्ते से फारिग हुए थे। सदीका बेगम और हानिया किचन में चली गई थी कि मिकाइल ने जल्द ही दोबारा वापसी का अंदिया दिया था, ये कहकर कि उसको अभी कारोबारी सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, वापसी उसकी चंद दिनों बाद होगी। ये सुनते ही वो लोग दोपहर के खाने की तैयारी के सिलसिले में किचन में चली गई थी। मामा, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? बिजनेस मैटर्स में मुझे विजिट और टूर्स पर जाना होगा बार बार, फिर इस तरह से वसवसों का शिकार होकर आप फिज़िकली और मेंटली अपसेट रहेंगी तो मैं काम किस तरह करूँगा? मुझे हर लम्हा आपकी फिक्र रहती है। मौका पाते ही वो उनसे मुखातिब हुआ। बेटा, मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ आपकी ज़ात है। सब कुछ खोकर मैंने आपको पाया है। मैं नहीं चाहती आप पर कोई गर्म निगाह भी डाले। बस यूँ समझ लें, आप एक ऐसे तोते हैं जिसमें मेरी जान है। मोहब्बत भरा लहजा नम आलूद हो गया था। उसने फौरन उठकर उनको अपनी आगोश में लिया और खासी देर तक उनको दिलचस्प बातों से बहलाता रहा था कि वो नहीं चाहता था जो खेल वो खेल रहा है उसकी भनक भी उनको पड़े। सो मूसा की वापसी तक आयजा बेगम मुतमईन हो गई थी और उठकर किचन की तरफ चली आई थी। मुझे मालूम था तुम आंटी का सुनकर फौरन भागे चले आओगे, वो उसके करीब बैठते हुए मुस्कुरा कर गोया हुआ। ऑफकोर्स, मैं ख्वाब में भी उनको परेशान नहीं देख सकता। तुम बताओ दूसरी तरफ क्या माहौल है, धूप निकल आई है या अब मौसम मज़ीद अबर आलूद हो गया है? बड़े जुनूनी लोग हैं वो और ख़ास से असर व रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूटी सलोन सील करवा कर उसके ऑनर को जेल की हवा खाने पर मजबूर कर दिया है, ये इल्ज़ाम लगाकर कि वहाँ से लड़की किस तरह और किस औरत के साथ गई, क्योंकि हमारे प्लान के मुताबिक लाइट एन उस वक्त बंद की गई थी जब वो मुलाजमा उस लड़की को लेकर बाहर निकल रही थी और सैलून के जनरेटर के ऑन होने से पहले ही सारा खेल ख़त्म हो गया था। सीसीटीवी फुटेज भी वो ना ले सके थे और यहीं से उन्होंने ऑनर पर इल्ज़ाम लगाए कि पूरे स्टाफ की मिलीभगत से लड़की को फरार करवाया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, उसके वजीह चेहरे को भरपूर मुस्कुराहट ने रोशन किया। वो खासा खुश दिखाई दे रहा था। तुम्हें बेहद होशियार और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ज़रा सी गलती सारी कहानी बदल सकती है, क्योंकि लड़की के वालिद हार्ट अटैक के बाइस हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लड़की की माँ और भाई वहाँ मसरूफ हैं, मगर लड़का जिसके सुहाग की खुशियाँ तुमने अजाब में बदल दी हैं वो पागल बना हुआ है, खोज में लगा हुआ है। गुड, मेरी यही ख्वाहिश थी।
शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने मेरा साथ दिया और इंशाल्लाह आगे भी मैं उसकी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मिकाइल, एक बात कहूँ, माइंड मत करना। वो कुछ रुक रुक कर इस्तफसार करने लगा। उसने इस्बात में गर्दन हिलाई तो वो कुछ तोकफ के बाद गोया हुआ, मुझे लगता है तुमने गलत लोगों पर हाथ डाला है। मैंने उनकी फुल इन्वेस्टिगेशन की है, वो लोग बेहद शरीफ और मासूम हैं, समाजी और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर काम करने वाले हैं। ये तुम किस तरह कह सकते हो, उसने संजीदगी से पूछा। मैंने उनके बारे में तमाम तर मालूमात हासिल की हैं, तुम्हारी मालूमात मेरी मालूमात के आगे सिफर हैं, बिल्कुल ज़ीरो। अरे, ये चोट कैसे लगी? अचानक उसका हाथ मिकाइल की पुश्त से लगा, जहाँ सूजन और ड्रेसिंग देखकर वो चौंक कर गोया हुआ। नथिंग स्पेशल, वो सरसरी लहजे में बोला, मगर मूसा का ताल्लुक भी पुलिस से था, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। बिलाखिर उसको मुख्तसर वो वाकया बताना पड़ा। वेरी अमेजिंग यार, तो यानी तू उस लड़की के इतने करीब पहुंच गया कि उसने तुझ पर अटैक कर दिया और साथ ही घायल भी? मूसा हैरत और ताज्जुब से खड़ा होकर गोया हुआ। नो, मैं किसी सूरत नहीं मान सकता कि तू उस लड़की के करीब गया और इतना बेखुद हो गया कि खुद को ज़ख्मी करवा बैठा। जस्ट शट अप, मैं उसके करीब नहीं गया था, बल्कि उसने ही पीछे से मुझ पर अटैक किया था, उसने सख्त लहजे में कहा। अब आई ना समझ में सारी बात? मैं यही कह रहा हूँ कि तुम उस लड़की के करीब। बकवास बंद करो, क्या तुम बार बार उस घटिया लड़की का नाम मेरे साथ ले रहे हो? सॉरी ब्रदर, अब ये बताओ कि आगे क्या करने का इरादा है? अभी तुम बिज़नेस के बहाने से घर से जा रहे हो, मगर ऐसा ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा और एक तवील मुद्दत तक लड़की को वहाँ रखना भी बेहतर नहीं है। फ़िलहाल वो अभी वहीं रहेगी, आगे का लाइहा अमल अभी सोचा नहीं है। उसी लम्हे अल्लाह वसाई की कॉल आ गई और उसने उसको जल्द गांव पहुंचने की ताकीद की थी। अल्लाह वसाई की घबराई आवाज़ किसी गड़बड़ की इत्तला दे रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ। घर वाले उसको खाना खाए बिना वापस जाने देना नहीं चाहते थे। अल्लाह वसाई की कॉल के बाद उसको एक एक लम्हा यहाँ रुकना भारी पड़ रहा था कि वो कॉल अल्लाह वसाई के उस लड़की को सुबह से वो बेसुध पड़ी देख रही थी। कई घंटों बाद भी उसकी हालत में ज़रा भी फ़र्क ना आया था। उसकी हदायत के मुताबिक वो बिल्कुल कमरे में नहीं जा रही थी और उसको ये सोच कर फिक्र हो रही थी कि 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया था उस लड़की को फाका किए हुए। लड़की पहले ही बेहद धान पान सी थी, उस पर मुतजाद अगवा होने वाली अफताद ने उसके औसान खता कर दिए थे। वो शदीद तरीन जहनी अजियत का शिकार थी। अगर ऐसे में उसको कुछ हो जाता तो वो ये सोच कर ही मूसा की मदद से वहाँ से फौरी तौर पर निकल गया था। लड़की का मरना वो किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उसका शिकार थी और इस शिकार को शिकार करने के लिए उसकी सालों की अंत तक मेहनत शामिल थी। उसकी ज़िंदगी और मौत से उसको कोई गर्ज ना थी, मगर वो उसको इतनी आसान मौत नहीं मारना चाहता था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नावल ज़हरे इश्क बाय इकरा सगीर अहमद। होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट देन डू इट राइट नाउ, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्राम ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।